आप इतनी खूबसूरत हैं और माशाल्लाह इतनी लंबी हैं, बुर्ज खलीफा देखने जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी खूबसूरती का राज प्लीज इन्हें बता दें, वो टेलकम पाउडर, वो साबुन हम सब भी खरीदना चाहते हैं। पहले तो मैं सबको प्रणाम करूंगी और थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इवेंट हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सेकंड थिंग कि मैं टेलकम पाउडर लगाती नहीं हूँ। ये आपकी नेचुरल ब्यूटी है। यस ऑफ कोर्स। और इन सब का प्यार है मेरे फैंस का, मेरे दोस्तों का, और बस उसी में हमेशा खुश रहती हूँ, तो इसलिए हमेशा ये खुशी आपकी राज है। खुशी की आपकी राज है कि आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं, चमकती रहती हैं, दमकती रहती हैं, क्या बात। यस यू लुकिंग सो प्रीटी। थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर छिंटू भाई से हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, ये इसके प्रोफेसर भी हैं, है ना। कौन सा तेलगम लगाते हो? नहीं मैं तो, हम लोग तो कभी कभी देसी पाउडर से भी काम चला लेते हैं, लेकिन खूबसूरती का राज आप लोग, खुशी तो है ही, खुशी के साथ साथ वो जो डेढ़ घंटा जो चलता है, बेचारे हमारे प्रोड्यूसर बाहर ऐसे बैठे रहते हैं, हीरोइन रेडी हुई कि नहीं, रेडी हुई क्यों, तो डेढ़ घंटा वो भी है खूबसूरती का राज। तो कृपया करके पूरी बात बताएं आप। आजकल मैंने नोटिस किया है, बट मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी कि मैं हीरो से कम टाइम में रेडी हो जाती हूँ जल्दी। yes! अच्छा। मैंने अभी दो फिल्में बनाई काजल के साथ जी। और मैं बताऊँ, जब तक कैमरामैन मतलब लाइटिंग नहीं करते थे, उससे पहले काजल तैयार होके आ जाती थी। ये सच्चाई है। क्या बात है, ये कमिटमेंट होती है और इसके लिए तालियां होनी चाहिए। प्लीज काजल आप बैठे हैं, वरना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, सारा प्रोग्राम यही खत्म हो जाएगा। मैं जी चिट्टू भाई एक रोमांटिक हीरो तो है ही, लेकिन आपकी एक्शन का भी मैं दीवाना हूँ। बड़े खूबसूरत ढंग से आप एक्शन करते हैं, उस एक्शन को करते वक्त आपके मन में, आपके दिमाग में जो ख्याल आता है, क्या आप उस वक्त भी सोचते हैं पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? नहीं, एक्शन में जब मार रहे होते हैं हम लोग, मारा मारी कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उसमें चुम्मा नहीं, उसमें बहुत कुछ दूसरा ही कुछ चिपक रहा होता है। कभी मुक्का चिपक रहा होता है, कभी सामने वाले का लात हम लोग को चिपक रहा होता है, बहुत चोटे खाते हैं। हाँ, सिनेमा में जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल, अरे क्या गुलाटी मार के मारा यार जी हो तो। लेकिन उसके पीछे मैं एक बात बताना चाहूँगा, आजकल तो सभी लोग समझदार हो गए हैं, सभी लोगों को पता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत चोट खाते हैं हम लोग, और शायद वही कारण है कि लोग इतना प्यार करते हैं। इतने कम उम्र में लोगों ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी है, इतना सारा प्यार दिया है, मैं ये कर्ज, ये एहसान इस जन्म में तो नहीं चुका सकता हूँ किसी का भी, चाहे वो मेरे सिनेमा परिवार के लोग हों, चाहे वो मेरे भगवान स्वरूप, मेरे जनता जनार्दन हो, कोई भी हो, जो भी मुझे दिल से प्यार करता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, जो भी बोलता है, मुंह से अगर चिंटू नाम निकलता है तो मेरे लिए वो आशीर्वाद ही लगता है। सो थैंक यू सो मच इतने आशीर्वाद के लिए आप सभी के। थैंक यू सो मच। तो अब बारी है नेक्स्ट परफॉर्मेंस।